अपना तो काम है खौफ का, लोगों की आंखों में देखो तो मूड निकल जाना चाहिए। ओह माय गॉड, आप तो डराने लग गए हैं। A few moments later. Hello guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ वापस आया हूँ और आज हमारा जो कंटेंट है, आज हम रिएक्शन नहीं दे रहे, आज हम बल्कि अपना रिव्यू दे रहे हैं। इंडिया का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है अमेजोन प्राइम पे, वो ओवर टू राशिद भाई, ये एक्सप्लेन करेंगे। जी राशिद भाई, वो है तूफान। तूफान फरहान अख्तर की मूवी आ रही है, तूफान बॉक्सिंग मूवी है और ऐसे ही हम दोनों के अंदर भी तूफान आया हुआ है कि जल्दी से उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसी मूवी है, क्या मूवी होने वाली है, कैसी होने वाली है। जी तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम लोगों ने जो है वो अपनी जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन उसका वो देखा, ट्रेलर देखा, तो हमें बहुत ज़बरदस्त लगा ट्रेलर। और वाकई लगता है कि जो अगर ये बड़े पर्दे पर रिलीज होती, जो कि बड़े पर्दे पर नहीं रिलीज कर रही है कोरोना की वजह से, ऑब्वियसली हर जगह पर कोरोना फैला हुआ है, तो अगर बड़े पर्दे पर रिलीज करते तो जितना फाड़ू किस्म का उनका ट्रेलर था, तो मुझे लगता है वो बॉक्स ऑफिस पे भी वो मूवी जो है वो हंगामा मचाने वाली थी। उस पर फरहान अख्तर की जो लुक्स हैं वो उन्होंने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्म किया है। आप भी जैसे जिम जा रहे हैं, उन्होंने भी जिम ज्वाइन किया होगा यकीनन तौर पे, एक दिन मैं भी वैसा हो जाऊंगा। जी जी, ये हमारे राशिद भाई भी जोर लगा रहे हैं वैसा होने के, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त थी उनकी, और खासतौर पर जो सिक्स पैक। बड़ी बात जो है उसके अंदर जो है वो परेश रावल जो कोच है उसके अंदर, और वो मूवी जो है उसके ऊपर वो है कि झोपड़ पट्टी से एक बंदा निकल के, तो वो निकलता है एक गुंडा गर्द इसमें जाने के लिए, पर वो एक कोच के कहते हैं ना कि जब नज़र पड़ती है एक बंदे की, तो जो कोच है प्रेशर उनकी नज़र पड़ी उसके फरहान अख्तर के ऊपर, उन्होंने कहा इस बंदे का टैलेंट है, ये निकल सकता है, आगे जा सकता है, तो उसको गाइड किया इस तरह से। वो जो है ना उसने मेहनत की, ट्रांसफॉर्म किया खुद को, और वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर बना। अच्छा, यहाँ से ट्रेलर देखिए हमें एक बात तो समझ आती है कि जो स्किल्स होती हैं वो किसी का घर देख के नहीं आती कि इनका बड़ा घर है या इनका छोटा घर है, यही वो स्किल्स कहीं से भी निकल के आ सकती हैं, वो आप झोपड़पट्टी से भी निकल सकते हैं, झोपड़पट्टी से ज्यादा अच्छी निकलती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और बहुत जबरदस्त मौका कम मिलता है। अब उसको देखे ना, उसका दिखाया गया उसको मौका मिला और वो इंडिया के जो है झंडा उसने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचाया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, और परेश रावल इस मूवी के अंदर है, और इस मूवी में थोड़ा सा रोमांस का तड़का भी लगा हुआ है, रोमांस के बगैर तो आपको पता है मूवी क्योंकि वो जो है ना जैसे कुछ मूवीज आई उसकी जो है ना वो फनी थे, फनी के उसके अंदर वो सीरियस है, मूछें भी हैं शायद उनकी, तो बड़ा मजा आने वाला है। जी जी, और जो है रोमांस का तड़का लगाने इस मूवी में फरहान अख्तर के साथ आ रही हैं मृणाल ठाकुर जी, जो कि ऑलरेडी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं प्रकाश जी। हाँ, प्रकाश, तो इन्होंने जो है वो फरहान अख्तर के साथ पहले भाग मिल्खा भाग भी की थी, जो कि मैंने तो ऑब्वियसली देखी थी, इनका मुझे पता है इन्होंने देखी कि नहीं देखी। मैंने भी देखी, बहुत जबरदस्त मूवी थी, बहुत कमाल की मूवी थी। इसी वजह से मैं इस मूवी को एक्साइटेड हूँ कब आएगी देखूंगा इसको, कि क्योंकि पिछली जो ये मूवी आई थी इनकी वो बड़ी कमाल मूवी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, अमेजोन प्राइम पे वीडियो लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद ये है कि थोड़ी सी स्पोर्टिव मूवी है, यानी कि एक स्पोर्ट्स रिलेटेड थोड़ी सी मूवी है, बॉक्सिंग पे मूवी बनी हुई है, बॉक्सिंग पे इंडिया की आया कि पहले भी मूवीज बनी हुई हैं, एक रियल लाइफ हीरो से बनी हुई है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी, आपको शायद याद है मैरी कॉम एक प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी, वो मैरी कॉम उनके लिविंग लेजेंड थी, वहाँ पे उन्होंने ओलंपिक्स जीती थी, तो मैंने तो वो मूवी देखी थी ऑब्वियसली, और वैसे भी है, और उसके अलावा उनकी बहुत सारी ऐसे स्पोर्टिव मूवीज आ जाती हैं, लेकिन जो तूफान आ रही है आमिर खान की आई थी बीच में, वो कबड्डी वाली दंगल आई थी। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये जो मूवी है वो भी रियल लाइफ हीरोज पे रिलेटेड थी, लेकिन ये जो तूफान आ रही है ये रियल लाइफ नहीं है, सिर्फ एक ख्यालाती हमारा एक तसव्वुराती हमारा हीरो है, जो कि जिसका नाम मूवी में आई गेस तूफान ही उसको कहा जाता है, कि तूफान ही है वो, तूफान अंदर का कैसे उसने अपने आप को जो है वो क्रिमिनल साइड से अपने आप को उसने मतलब तूफान के लिए था उसके अंदर, वो तूफान जो गलत कामों के लिए था, गुंडागर्दी उसमें जाना चाह रहा था, फिर वो तूफान अच्छी चीज में लेकर जो टैलेंट था उसके ऊपर तूफान निकाला, वो तूफान ला दिया। जी जी, और उसमें ये चीजें भी थी कि जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे जिंदगी में बहुत सारी हमें स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं बहुत ज्यादा। अब उनका एक कैरियर ऐसा था, पहले उनका क्रिमिनल कैरियर था, फिर उनकी झोपड़पट्टी से उठ के आए, फाइनेंशियल जो है उनको प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारा कुछ इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा। तो मैं तो मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, आप सब इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे हैं। मूवी का डायलॉग जो है ना वो बहुत मूवी का डायलॉग हो जाए, अजू भाई बनोगे या अजीज अली बॉक्सर, पा कमाल हो गया। जी तो गाइस अब हम मूवी का इंतजार करते हैं, तो देखते हैं मूवी की रिलीज डेट आपको बताया नहीं आपने, क्या बनोगे आप? मैं ऑब्वियसली अजीज अली बॉक्सर बनना चाहूंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है। तो मिलके जो है वो मूवी का वेट करते हैं। मूवी आई गेस 5 तारीख को अगले मंथ की अमेजॉन प्राइम पे लॉन्च हो रही है,
तो मिलके बैठ के देखेंगे, साथ चाय की चुस्की लगाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और मजे से हम लोग बैठ के मूवी देखेंगे। तो आप लोग भी हमें जो है वो बताइएगा मूवी देख के, ट्रेलर भी देखिएगा, ट्रेलर जाके जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें, और जिन्होंने देख लिया है वो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और हमारी वीडियो ही कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन तो लाजमी है, मस्त है यार, होता बताना तो नहीं चाहिए वो चीज़। तो गाइज यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।